नमस्कार, आपका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन में। आज का मेरा लेक्चर छठवां, हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोसीजर ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन। अभी तक तो मेरी सारी बात हो चुकी थी कि हमारा विजुअल इंस्पेक्शन क्या होता है, हमारे विजुअल इंस्पेक्शन कितनी तरह के हैं, हमारे ऑप्टिकल सर्फेस किस तरह की हमें रिक्वायरमेंट चाहिए और ह्यूमन विजन्स क्या है हमारा जो इसके रिक्वायर। लेकिन आज मैं ये डिस्कस करूंगा ये किस तरह से हो रहा है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो प्रोसीजर फॉर विजुअल इंस्पेक्शन के लिए हमारा क्लीन द इंस्पेक्शन ऑफ द सर्फेस प्रॉपरली, हमें तीन चीजें चाहिए जिसके बेस पे हम ये विजुअल इंस्पेक्शन को परफॉर्म कर पाएंगे। हमें जिस सर्फेस पे इसको देखना है वहां पे कंटामिनेंट नहीं होना चाहिए। हमें क्लीन द सर्फेस प्रॉपरली क्लीन कर दीजिए, सच एज ऑयल ग्रीस स्केल्स जो भी है वहां पे आपका ऑयलिंग नहीं होना चाहिए, आपका ग्रीस नहीं होना चाहिए, आपका कोई डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये होता है तो आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं एक गलत करेगा। तो आप इसको क्लीन कर दीजिए, क्लीन द सर्फेस एंड सफिशियंट इल्यूमिनेट द स्पेसिमेन द लाइट। आप इल्यूमिनेट आप ये देखिए कि आप जो लाइट है वो आप सफिशियंट यूज करिए जो आपकी आंख देख पाए नेचुरल और आप दे सेंसिटिविटी को आपको जज कर पाए। एंड एग्जामिन द स्पेसिमेन विद द आइज और टेक द असिस्टेंस ऑफ द लाइट सेंसिटिविटी डिवाइस। आप एग्जामिन द स्पेसिमेन विद द आइस। तो मतलब तीन चीजें हैं, आप सरफेस को क्लीन पूरा कर लीजिए जिस सरफेस को आपको टेस्ट करना है। सेकेंड, आपकी लाइट सोर्स बहुत मतलब प्रॉपर होनी चाहिए, आप आदर यू हैव यूज द नेचुरल लाइट और द आर्टिफिशियल लाइट। एंड द थर्ड वन इज एग्जामिन द स्पेसिमेन विद द आइस और टेक द असिस्टेंट, आप कोई दूसरा ऑप्टिकल एड्स के थ्रू दे सकते हैं। एक थर्ड वन इज अ लाइट जो बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं, लाइट सोर्सेस कैसा हो। तो लाइट इज आप थ्री टाइप्स ऑफ द लाइट सोर्सेस को बेसिकली आप यूज कर सकते हैं, वो इनकैंडेसेंट लैंप्स, फ्लोरोसेंट लैंप और हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैंप को हम यूज करके अपने सरफेस पे लाइट को इम्पिक्स करा के हम क्रैक्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो टूल्स यूज करते हैं विजुअल इंस्पेक्शन में वो बेसिकली जो अदर टूल्स हैं ऑप्टिकल एड्स जो हम लोग यूज करेंगे, कहीं कहीं नहीं हमारी आंखें देख पा रही हैं, जैसे विजुअल एडेड इंस्पेक्शन में क्या होता है कि हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस यूज करते हैं, तो उसी पर मैग्नीफाइड ग्लासेस यूज करेंगे टू ऑब्टेन द लार्ज एंगल। हम ग्लास यूज करेंगे जहां पे हमारी सरफेस को मैग्नीफाइंग करने के लिए, जूम करने के लिए हम लोग ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स, बहुत छोटी छोटी हैं जहां पे हमारी आंखें नहीं देख सकते हैं, तो यू यूज द ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स। बोरोस्कोप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस पे बोरोस्कोप पे। ये क्या होता है कि इनसाइड पोर्शन ऑफ द हॉलो चैम्बर, तुम्हें ट्यूब्स देखना है, किसी ट्यूब्स में पाइपलाइन में आपको देखना है क्रैक्स कहां पे है, तो पाइपलाइन में आप जाके नहीं देख सकते, आपकी आंखें ऐसे नहीं देख सकते, देन यू हैव यूज द बोरोस्कोप। बोरोस्कोप क्या होती है, एक मैं आगे भी डिस्कस करूंगा, एक ट्यूब्स है जिसको अंदर आपके पोर्शन के हॉलो चैम्बर के अंदर इंस्पेक्ट करती है कि वेदर द डिफेक्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द पाइप और नॉट। एंडोस्कोप इंस्पेक्ट द डिफेक्ट अराउंड वेरियस मल्टी एंगल्स, आप वेरियस मल्टी एंगल्स पे देख सकते हैं कि किस किस एंगल्स पे इस पे आप फ्लेक्सिस्कोप। बोरोस्कोप में कुछ लिमिटेशंस है, बोरोस्कोप मतलब क्या होता है कि आपका अंदर का देख सकता है लेकिन क्या होता है कि वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, देन वी यूज द फ्लेक्सिस्कोप टू शो द डिफेक्ट अराउंड द कॉर्नर्स। आपका क्या होता है बोरोस्कोप कॉर्नर्स तक नहीं जा सकता है, वो सीधा सीधा एक रिजिट है कि वो अंदर जाएगा, बस एक सीधे जाएगा और ज्यादा ज्यादा उसमें रिजिट है, कहीं घुमा नहीं सकते आप, या तो राउंड कर सकता है, लेकिन फ्लेक्सिस्कोप में क्या है आप उसको मोड़ भी सकते हैं, अंदर पोर्शन पे जाके आप मोड़ भी सकते हैं। तो फ्लेक्सिस्कोप टू शो द डिफेक्ट अराउंड द कॉर्नर। एंड द क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम सीसीटीवी जो हमने अभी डिस्कस किया था जब रोबोटिक्स विजुअल इंस्पेक्शन था, कि हम कैमरा के द्वारा ऑप्टिकल इमेज को हम लोग कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इमेज में विद द हेल्प ऑफ द क्लोज सर्किट टेलीविजन सिस्टम्स। एंड द होलोग्राफी टू डिटेक्ट द 3D इमेज। मैग्नीफाइंग इमेज क्या है, इट इज आल्सो नोन एज स्पेरिकल मिरर, जिस तरह फिगर में दिख रहा है कि जब हमें मेरी आंख को छोटी से इमेज को नहीं, तो हम एक मैग्नीफाइंग इमर्स यूज करते हैं। एंड टू यूज द मैग्नीफाइंग द एरिया मैग्नीफाइंग द विच आर नॉट एसेबल टू द ह्यूमन आइज, जो हमारी आइज क्या कर रही है वो ऑब्जर्व नहीं कर सकती है। एंड द सेकंड वन इज द मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग इट इज आल्सो कॉल्ड हैंड लेंस, एक हैंड लेंस होते हैं। And this lens used to produce a magnifying the image. वहां क्या करता है, वो जूम कर देता है जहां पे मुझे देखना है, वो उसको जूम कर देगा और जूम करते करते place between the human eyes and the object. वो human eyes और object के बीच में उसको place किया जाएगा और उसको उस वो उतना portion जो होगा वो जूम हो चुका होगा जो बड़ा clarity से हमारी eyes उसको observe कर सकती है for high power magnifying.
माइक्रोस्कोप आपको मालूम है दैट इज द इज यूज टू मैग्नीफाइंग द इमेज ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट, बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट विच इज नॉट सीन बाय द आवर नेकेड आइज, देन वी यूज द माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप को देखिए दिखा हुआ है, आप उसको फाइन स्मॉल पार्टिकल को आप देखिए और उसको उसकी मैग्नीफाइंग पावर के तहत उसको आपको जूम करके उस एरिया की स्पॉट दे देगा. एंड द बोरोस्कोप, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि बोरोस्कोप विच इज यूज टू इंस्पेक्ट द इनसाइड ऑफ द नैरो ट्यूब, लेकिन एक ड्रॉबैक है, आप जब इसके फिगर्स को देखेंगे तो इसमें क्या, अब तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया कि आपको डिजिटल चीजें बता देगा, लेकिन पहले एक ट्यूब्स होता था जिसमें एक ट्यूब्स की तरफ लेंस बंधा रहता था और उसमें लाइट सोर्स होता था, एक ट्यूब आपका ऑब्जर्व करता था, तो वो जब ट्यूब्स अंदर डाला जाता था तो उसमें क्या होता था कि वो लाइट जो उसके लेंस के थ्रू है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती थी जहां पे मुझे इंस्पेक्ट करना है मटेरियल, और वो लाइट उस थ्रो ऑब्जर्वर के पास आती थी कि यहां पे क्रैक्स है या नहीं है. लेकिन दूसरी तरीके विच इज यूज टू इंस्पेक्ट द इनसाइड द नैरो ट्यूब, इट इज अ फ्लेक्सिबल ट्यूब विद अ आइस पॉइंट एट वन एंड एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एट द अनदर एंड एंड लाइट इज पास थ्रू द लेंस एंड ऑब्टेन अ क्लियर इमेज. हमारी ये जो जिस तरह से ये फिगर दिखा है, एक ये जो पोर्सन है ये पोर्सन हमारा हॉलो ट्यूब्स में जाएगा, ये हॉलो ट्यूब्स में इसके थ्रू लाइट के थ्रू यहाँ पे लाइट सप्लाई होगी और लेंस के थ्रू एक इमेज हमारा इस स्क्रीन पे शो होगा, वेदर द ऑब्जेक्ट इज क्रैक्स इज फाइंड और नॉट, ये मुझे सिग्निफाई कर देगा. एंड अवेलेबल रेंज इज 2.5 mm टू 19 mm इसकी रेंज है कितना ये डिटेक्ट कर, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि ये रिजिट है, ये मतलब सिर्फ सीधे सीधे किसी कॉर्नर को नहीं देखे, इसके लिए हमें फ्लेक्सीस्कोप को यूज करना पड़ेगा. एंडोस्कोप, इट इज अ बिट सुपीरियर देन बोरोस्कोप, ये बहुत अच्छा सुपीरियर है क्योंकि मैग्नीफाइंग फैक्टर जो है 10x इज ऑब्टेन, मतलब इसकी जो पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छी है. एंड अवेलेबल अप टू अ स्मॉल डाया 1.7 mm एंड लेंथ अप टू 100 mm. सो एंडोस्कोप बोरोस्कोप का ही एनवायरमेंट है क्योंकि इसकी जो पावर है देखने की, मैग्नीफाइंग पावर भी बहुत अच्छी है, और दूसरी चीज है स्मॉल से स्मॉल क्रैक्स को भी डिफाइन अच्छे तरीके से इनसाइड द ट्यूब वो देख सकता है. एंड फाइबरोस्कोप मैंने बता चुका हूं कि ये कॉल्ड अ फाइबर ऑप्टिकल बोरोस्कोप होता है जिसकी रेंज 3 to 12 mm. ये फाइबरोस्कोप ये है कि जो जहां पे हमारा बोरोस्कोप रिजिट हो जाता है, जहां नहीं जा सकता है, कॉर्नर्स को नहीं देख पाता, वहां पे हम लोग क्या कहते हैं फ्लेक्सी ट्यूब्स अंदर डाल देते हैं ट्यूब्स के अंदर, और उसके अंदर लेंस बंधे होते हैं, वो लेंस उसको लाइट देते हैं, जैसे ही वहां क्रैक्स मिल जाता है वो क्रैक्स उसको डिटेक्ट करके लेंस को, और लेंस को डिटेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ द वो ट्यूब्स ऑब्जर्वर के पास सेंस आता है कि यहां पे क्रैक्स है या नहीं है. सो द डायर रेंज इज 3 to 12.5 mm एंड लेंथ वेरी फ्रॉम 60 to 365 cm. एंड दिस इज द वेरी गुड कंप्यूटर एनहांस विजुअल सिस्टम है हमारा, जिसमें कैमरा होता है, लाइट हमारी कैमरे पे पड़ी, ऑप्टिकल इमेज जो हमें जो फाइंड हुआ वो ऑप्टिकल इमेज हमारे पास आया किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ जो लाइट नीचे से जहां पे हमें इंस्पेक्ट करना है, ये कैमरा जहां पे ऑब्जर्वर है मान के चलते हैं, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सीन करना है, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सीन करना है, तो मेरे पास यहाँ प्रोडक्ट सीन किया तो कैमरे ने उसको वॉच किया, लाइट वहां पे है, लाइट कैमरे पास जा रही है, उसकी इमेज हमारे पास ऑप्टिकल इमेज के पास आई, ऑप्टिकल इमेज ने उसको कन्वर्ट करके उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में भेजा, इनहांस इमेज जो मैंने कहा था कि ऑप्टिकल इमेज इज कन्वर्टेड इनटू अ इलेक्ट्रॉनिक इमेज, वो इलेक्ट्रॉनिक इमेज हमारे पास एक डाटा के फॉर्म में आई एंड दैट इज गो टू द सिस्टम. ऑब्जर्वर ने बताया कि यहाँ पे वेदर द क्रैक इज नॉट, तो दिस इज द कंप्यूटर इनहांस विजुअल सिस्टम, ये भी एक प्रकार का टूल है जो हम विजुअल इंस्पेक्शन में यूज करते हैं. एंड द एप्लीकेशन ऑफ विजुअल इंस्पेक्शन, इट इज यूज टू इंस्पेक्ट वेदर देयर इज अ मिसअलाइनमेंट ऑफ द पार्ट इन द इक्विपमेंट, हम ये देखते हैं कि हमारा पार्ट में मिसअलाइनमेंट है या नहीं है, ये किसका हमारे पार्ट जो है वो सही जुड़े हैं नहीं है, ये हम लोग देख सकते हैं. इस चेक द करोजन इरोजन, ये एक बड़ा अच्छा है कि करोजन को, इरोजन को, क्रैक्स को और मशीन कंपोनेंट को हमारे देखने के लिए विजुअल इंस्पेक्शन अच्छा है. इट इंस्पेक्ट द प्लांट कंपोनेंट फॉर एनी लीकेज, क्या कोई लीकेज तो नहीं है पाइप के अंदर, तो वो भी हमारा ये विद द हेल्प ऑफ द बोरोस्कोप और फ्लेक्सीस्कोप या इंडोस्कोप के थ्रू ये हमारा देख सकता है. एंड इट इज यूज टू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट इन द वेल्डमेंट, हमारे जो वेल्डिंग में डिफेक्ट्स हैं उसको भी हमारा ये ऑब्जर्व कर सकता है. लिमिटेशंस हैं, कैन आइडेंटिफाई ओनली लार्ज डिसकॉन्टिन्यूटीज, बहुत ज्यादा बड़ी डिसकॉन्टिन्यूटीज को ये नहीं देख सकता, मतलब ये बहुत लार्ज डिसकॉन्टिन्यूटीज है तो कैन आइडेंटिफाई, लिमिटेड टू सर्फेस डिसकॉन्टिन्यूटीज, सिर्फ सर्फेस डिफेक्ट के लिए डिसकॉन्टिन्यूटीज को देखें,
स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड, जो आपकी रीडिंग्स को पढ़ पाए, जो आपके लेंस को रीड आउट कर पाए, लेंस को सेट कर पाए, आपके बोरोस्कोप्स को सही से उसकी आपको रीडिंग्स को देख पाए, तो स्किल्ड लेबर्स आर रिक्वायर्ड एंड रिजल्ट डिपेंड ऑन द आइस रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्पेक्टर। हमारा रिजल्ट जो होता है वो इंस्पेक्टर के आइस के रेजोल्यूशन पे डिपेंड करता है। वेदर द साइट इज नॉट वर्किंग देन द रिजल्ट में कहीं ना कहीं डेविएशन हमारा आ जाएगा। सो रिजल्ट हमारी आइस अच्छी होनी चाहिए इस विजुअल इंस्पेक्शन को देखते हुए। एंड इट मे कॉज आइस फटीग, ये एक देखा जाए आंख को थकाने वाला।